लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 46वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चारों आदमी शफा खाने पहुंचे तो 9 बज चुके थे। आकाश निद्रा में मग्न आंखें बंद किए पड़ा हुआ था, पर पृथ्वी जाग रही थी। भैरों खड़ा सूरदास को पंखा झल रहा था। लोगों को देखते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सिरहाने की ओर कुर्सी पर बैठी हुई सोफिया चिंताकुल नेत्रों से सूरदास को देख रही थी। सुभागी अंगीठी में आग बना रही थी कि थोड़ा सा दूध गर्म करके सूरदास को पिलाए। तीनों ही के मुख पर नैराश्य का चित्र खिंचा हुआ था। चारों ओर वो निस्तब्धता छाई हुई थी जो मृत्यु का पूर्वाभास है। सोफी ने कातर स्वर में कहा, पंडा जी आज शोक की रात है। इनकी नाड़ी का कई कई मिनटों तक पता नहीं चलता। शायद आज की रात मुश्किल से कटे। चेष्टा बदल गई। भैरों, दोपहर से यही हाल है, ना कुछ बोलते हैं ना किसी को पहचानते हैं। सोफी, डॉक्टर गांगुली आते होंगे, उनका तार आया था कि मैं आ रहा हूं। यूं तो मौत की दवा किसी के पास नहीं, लेकिन संभव है डॉक्टर गांगुली के हाथों कुछ यश लिखा हो। सुभागी, मैंने सांझ को पुकारा था तो आंखें खोली थी पर बोले कुछ नहीं। ठाकुर दीन, बड़ा प्रतापी जीव था। यही बातें हो रही थी कि एक मोटर आई और कुंवर भरत सिंह, डॉक्टर गांगुली और रानी जानवी उतर पड़ी। गांगुली ने सूरदास के मुख की ओर देखा और निराशा की मुस्कुराहट के साथ बोले, हमको 10 मिनट का भी देर होता तो इनका दर्शन भी ना पाते। विमान आ चुका है, क्यों दूध गर्म करता है भाई? दूध कौन पिएगा? यमराज तो दूध पीने का मोहलत नहीं देता। सोफिया ने सरल भाव से कहा, क्या आप कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर साहब? गांगुली, बहुत कुछ हो सकता है मिस सोफिया, हम यमराज को परास्त कर देगा। ऐसे प्राणियों का यथार्थ जीवन तो मृत्यु के पीछे ही होता है, जब वो पंचभूतों के संस्कार से रहित हो जाता है। सूरदास अभी नहीं मरेगा, बहुत दिनों तक नहीं मरेगा। हम सब मर जाएगा, कोई कल कोई परसों, पर सूरदास तो अमर हो गया। उसने तो काल को जीत लिया। अभी तक उसका जीवन पंचभूतों के संस्कार से सीमित था, अब वो प्रसारित होगा, समस्त प्रांत को समस्त देश को जागृति प्रदान करेगा, हमें कर्मण्यता का वीरता का आदर्श बनाएगा। ये सूरदास की मृत्यु नहीं है सोफी, ये उसके जीवन ज्योति का विकास है। हम तो ऐसा ही समझता है। ये कहकर डॉक्टर गांगुली ने जेब से एक शीशी निकाली और उसमें से कई बूंदें सूरदास का मुंह खोलकर पिला दी। तत्काल उसका असर दिखाई दिया। सूरदास के विवर्ण मुखमंडल पर हल्की हल्की सुर्खी दौड़ गई। उसने आंखें खोल दी, इधर उधर अनिमेष दृष्टि से देखकर हंसा और ग्रामोफोन किसी कृत्रिम बैठी हुई नीरस आवाज से बोला, बस बस, अब मुझे क्यों मारते हो? तुम जीते मैं हारा, ये बाजी तुम्हारे हाथ रही। मुझसे खेलते नहीं बना, तुम मजे हुए खिलाड़ी हो, दम नहीं उखड़ता। खिलाड़ियों को मिलाकर खेलते हो और तुम्हारा उत्साह भी खूब है। हमारा दम उखड़ जाता है, हांफने लगते हैं और खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते। आपस में झगड़ते हैं, गाली गलौच मारपीट करते हैं, कोई किसी की नहीं मानता। तुम खेलने में निपुण हो, हम अनाड़ी हैं, बस इतना ही फर्क है। तालियां क्यों बजाते हो? ये तो जीतने वालों का धर्म नहीं। तुम्हारा धर्म तो है हमारी पीठ ठोकना। हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की? फिर खेलेंगे, जरा दम ले लेने दो। हार हार कर तुम्ही से खेलना सीखेंगे और एक ना एक दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगी। डॉक्टर गांगुली इस अनर्गल कथन को आंखें बंद किए इस भाव से तन्मय होकर सुनते रहे, मानो ब्रह्म वाक्य सुन रहे हो। तब भक्तिपूर्ण भाव से बोले, बड़ी विशाल आत्मा है, हमारे सारे पारस्परिक सामाजिक राजनीतिक जीवन की अत्यंत सुंदर विवेचना कर दी और थोड़े से शब्दों में। सोफी ने सूरदास से कहा, सूरदास, कुंवर साहब और रानी जी आई हुई हैं, कुछ कहना चाहते हो? सूरदास ने उन्मादपूर्ण उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ हाँ, बहुत कुछ कहना है। कहाँ है? उनके चरणों की धूल मेरे माथे पर लगा दो, तर जाऊं। नहीं नहीं, मुझे उठाकर बैठा दो, खोल दो ये पट्टी,
मैं खेल चुका, अब मुझे मरहम पट्टी नहीं चाहिए। रानी कौन? विनय सिंह की माता ना, कुंवर साहब उनके पिता ना। मुझे बैठा दो, उनके पैरों पर आंखें मलूंगा, मेरी आंखें खुल जाएंगी। मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीष दो माता, अब मेरी जीत होगी। अहो, वो सामने विनय सिंह और इंद्रदत्त सिंहासन पर बैठे हुए मुझे बुला रहे, उनके मुख पर कितना तेज है। मैं भी आता हूं, यहां तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका, अब वहीं करूंगा। माता पिता भाई बंद सबको सूरदास का राम राम। अब जाता हूं, जो कुछ बना बिगड़ा हो क्षमा करना। रानी जानवी ने आगे बढ़कर भक्ति विफल दशा में सूरदास के पैरों पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। सूरदास के पैर अश्रु जल से भीग गए। कुंवर साहब ने आंखों पर रूमाल डाल लिया और खड़े खड़े रोने लगे। सूरदास की मुखश्री फिर मलिन हो गई, औषधि का असर मिट गया, ओठ नीले पड़ गए, हाथ पांव ठंडे हो गए। नायक राम गंगा जल लाने दौड़े। जगधर ने सूरदास के समीप जाकर जोर से कहा, सूरदास मैं हूं जगधर, मेरा अपराध क्षमा। ये कहते कहते आवेग से उसका कंठ रुंध गया। सूरदास मुंह से कुछ न बोले, दोनों हाथ जोड़े, आंसू की दो बूंदें गालों पर बह आई और खिलाड़ी मैदान से चला गया। क्षण मात्र में चारों तरफ खबर फैल गई। छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बूढ़े जवान हजारों की संख्या में निकल पड़े। सब नंगे सिर नंगे पैर, गले में अंगूछियां डाले शफा खाने के मैदान में एकत्र हुए। स्त्रियां मुंह ढापे खड़ी विलाप कर रही थी, मानो अपने घर का कोई प्राणी मर गया हो। जिसका कोई नहीं होता उसके सब होते हैं। सारा शहर उमड़ा चला आता था, सबके सब इस खिलाड़ी को एक आंख देखना चाहते थे, जिसकी हार में भी जीत का गौरव था। कोई कहता था सिद्ध था, कोई कहता था वली था, कोई देवता कहता था, पर वो यथार्थ में खिलाड़ी था। वो खिलाड़ी जिसके माथे पर कभी मैल नहीं आया, जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, जिसने कभी कदम पीछे नहीं हटाए। जीता तो प्रसन्नचित रहा, हारा तो प्रसन्नचित रहा। हारा तो जीतने वाले से कीना नहीं रखा, जीता तो हारने वाले पर तालियां नहीं बजाई। जिसने खेल के मैदान में सदे और नीति का पालन किया, कभी धांधली नहीं की, कभी द्वंदी पर छिपकर चोट नहीं की। भिखारी था, अपंग था, अंधा था, दीन था, कभी भरपेट दाना नहीं नसीब हुआ, कभी तन पर वस्त्र पहनने को नहीं मिला, पर हृदय धैर्य और क्षमा, सत्य और साहस का अगाध भंडार था। देह पर मांस न था, पर हृदय में विनय, शील और सहानुभूति भरी हुई थी। हां, वो साधु न था, महात्मा न था, देवता न था, फरिश्ता न था, एक शुद्र शक्तिहीन प्राणी था, चिंताओं और बाधाओं से घिरा हुआ, जिसमें अवगुण भी थे और गुण भी। गुण कम थे, अवगुण बहुत। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी दुर्गुण उसके चरित्र में भरे हुए थे, गुण केवल एक था। किंतु ये सभी दुर्गुण उस पर गुण के संपर्क से नमक की खान में जाकर नमक हो जाने वाली वस्तुओं की भांति देवगुणों का रूप धारण कर लेते थे। क्रोध सत्क्रोध हो जाता था, लोभ सदनुराग, मोह सदुत्साह के रूप में प्रकट होता था, और अहंकार आत्माभिमान के वेश में। और वो गुण क्या था? न्याय, प्रेम, सत्य, भक्ति, परोपकार, दर्द, या उसका जो नाम चाहे रख लीजिए। अन्याय देखकर उससे ना रहा जाता था, अनीत उसके लिए असह्य थी। मृतदेह कितनी धूमधाम से निकली इसकी चर्चा करना व्यर्थ है। बाजे गाजे न थे, हाथी घोड़े न थे, पर आंसू बहाने वाली आंखों और कीर्ति गान करने वाले मुखों की कमी न थी। बड़ा समारोह था। सूरदास की सबसे बड़ी जीत यही थी कि शत्रुओं को भी उससे शत्रुता न थी। अगर शोक समाज में सोफिया, गांगुली, जाह्नवी, भरत सिंह, नायक राम, भैरव आदि थे, तो महेंद्र कुमार, जान सेवक, जगधर, यहां तक कि मिस्टर क्लार्क भी थे। चंदन की चिता बनाई गई थी, उस पर विजय पताका लहरा रही थी। दाह क्रिया कौन करता? मिठुआ ठीक उसी अवसर पर रोता हुआ आ पहुंचा। सूरदास ने जीते जी जो ना कर पाया था मरकर किया। इसी स्थान पर कई दिन पहले यही शोक दृश्य दिखाई दिया था। अंतर केवल इतना था कि उस दिन लोगों के हृदय शोक से व्यथित थे, आज विजय गर्व से परिपूर्ण। वो एक वीरात्मा की वीर मृत्यु थी, ये एक खिलाड़ी की अंतिम लीला। एक बार फिर सूर्य की किरणें चिता पर पड़ी, उनमें गर्व की आभा थी,
मानो आकाश से विजयगान के स्वर आ रहे हैं। लौटते समय मिस्टर क्लार्क ने राजा महेंद्र कुमार से कहा, मुझे इसका अफसोस है कि मेरे हाथों ऐसे अच्छे आदमी की हत्या हुई। राजा साहब ने कुतूहल से कहा, सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य क्यों? क्लार्क, नहीं राजा साहब, दुर्भाग्य ही है। हमें आप जैसे मनुष्यों से भय नहीं, भय ऐसे ही मनुष्यों से है जो जनता के हृदय पर शासन कर सकते हैं। ये राज्य करने का प्रायश्चित है कि इस देश में हम ऐसे आदमियों का वध करते हैं जिन्हें इंग्लैंड में हम देवतुल्य समझते। सोफिया इसी समय उनके पास से होकर निकली। ये वाक उसके कान में पड़ा, बोली, काश ये शब्द आपके अंतःकरण से निकले होते। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। मिस्टर क्लार्क की व्यंग सुनकर बौखला गए, जब्त न कर सके, घोड़ा बढ़ाकर बोले, ये तुम्हारे उस अन्याय का फल है जो तुमने मेरे साथ किया है। सोफी आगे बढ़ गई, ये शब्द उसके कान में ना पड़े। गगनमंडल के पथिक जो मेघ के आवरण से बाहर निकल आए थे, एक एक करके विदा हो रहे थे। शव के साथ जाने वाले भी एक एक करके चले गए, पर सोफिया कहाँ जाती? इसी दुविधा में खड़ी थी कि इंदु मिल गई। सोफिया ने कहा, इंदु जरा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 46वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।